तो चलिए आगे बात करते हैं स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी के बारे में और गुरु परंपरा को याद करके उनके बारे में आगे बात करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। उनके बारे में बात करने का सौभाग्य मिले या उनके बारे में बात सुनने का सौभाग्य मिले, ये भी एक शिष्य के लिए, ये भी एक भक्त के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है कि जब गुरुदेव के बारे में हम बात करने की कहते हैं ना कि गुरु की चर्चा करना, जैसे भागवत में हम सबने सुना है कि सबसे पहले भागवत का महात्म्य सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ही गुरु को फॉलो करना तो जीवन का हमारा लक्ष्य ही है, पर उनके बारे में स्मरण करना, उनकी बातें करना भी कहते हैं वो भी एक साधना है। तो हमने बात की ब्रह्मानंद सरस्वती जी के बारे में, उनका बचपन का नाम राजा राम था। थोड़ा सा हम क्रैश एकदम याद कर लेते हैं हमने क्या क्या बात किया था पिछली बार। ब्रह्मानंद सरस्वती जी का नाम राजा राम था। बचपन से ही उनकी रुचि, जैसे छोटे बच्चों को खेलने में रहती है, सबके साथ खिलौने में रहती है, उनमें पहले से ही रुचि थोड़ी सी कम ही थी। उनके सबसे बेस्ट फ्रेंड थे उनके दादाजी। अब 7 साल की उम्र में, जब राजा राम 7 साल के थे, तब उनके दादा का देहांत हो जाता है। और ये जो घटना है उनके दादा के जाने की, ये राजा राम को बहुत सोचने पर मजबूर कर देती है ये घटना, क्योंकि जब राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, ये जब वो सुनते हैं तब उनको लगता है कि अगर राम नाम ही सत्य है, उसका मतलब है बाकी सब कुछ मिथ्या है, अगर सिर्फ राम नाम सत्य है, क्योंकि ब्रह्म ही अगर सत्य है तो मैं भी झूठ हूं। राजा राम खुद सोचते हैं कि मेरा भी अस्तित्व एक दिन मिट जाएगा, ये सृष्टि का अस्तित्व भी एक दिन चला जाएगा, तो जो सत्य है वो क्या है। उसके बाद हमने देखा कि उनको वेद अभ्यास के लिए बनारस भेजा जाता है, और राजा राम की रुचि सब जो विषय है उसमें से कम ही होती हुई देख रहे थे उनके परिवारजन। तो राजा राम की शादी करने का वो सोचते हैं, और जब पिताजी लेने जाते हैं बनारस उनको, तो राजा राम भाग जाते हैं। वो भागते भागते उनको लगता है कि अगर मुझे जाना है, किस ब्रह्म की खोज में जाना है, तो मुझे एक गुरु की खोज सबसे पहले करनी है। तो अपने गुरु की खोज में वो हिमालय की ओर आगे बढ़ते हैं। गंगा किनारे चलते 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 वो निकलते हैं, और उसमें उसमें भी हमने बहुत सुंदर घटनाएं जो घटित हुई उनके साथ। अब वो तो निकल पड़ते हैं और यहाँ पर परिवार परेशान हो जाता है, तो परिवार पुलिस में और सब जगह इश्तेहार देते हैं कि ये बच्चा ऐसे भाग गया है, जिनको भी मिले उनको बहुत अच्छा इनाम दिया जाएगा। तो लास्ट में हमने ये बात की थी कि एक पुलिस कर्मचारी को ये बच्चा मिल जाता है अलाहाबाद के संगम स्थान पर, और वो उनके साथ भी जो कन्वर्सेशन हुआ है वो भी हमने लास्ट में बात किया था। अब ये पुलिस कर्मचारी जो है वो उनको बताता है कि भाई आप मेरे घर पे चलिए, आप मेरे घर पे रेस्ट करिए, विश्राम करिए, कल सुबह हम बात करेंगे कि आगे क्या करना है। राजा राम जाता है ये पुलिस कर्मचारी के साथ उनके घर, ज्ञान चर्चा होती है, उनको भोजन खिलाते हैं, और राजा राम रात को वहां पर आराम से सो जाता है। अब दूसरे दिन सुबह जो ज्ञान चर्चा ये छोटे बच्चे के मुखारविंद से पुलिस कर्मचारी ने सुनी,
उस वो सारी चर्चा को सुनकर उनको एक बात तो तय लगी कि ये बच्चा कुछ सामान्य नहीं है, ये कोई सामान्य चेतना नहीं है। तो उनको लगा कि भले ही ये बच्चा जाए, उसको अगर आगे कोई खोज है उसकी तो भले ही जाए, मुझे क्या इन्फॉर्म करने की जरूरत, मुझे क्या इनाम में मिल जाएगा। तो वो राजा राम को बताता है कि देखो, ऐसे तुम अगर पैदल पैदल चलते रहोगे तो कोई ना कोई तुमको पक्का पकड़ ही लेगा। इससे बेहतर है कि मैं तुम्हें हरिद्वार का यहां से टिकट बनवा देता हूं, तुम आराम से ट्रेन में बैठ के पहुंच जाओ, फिर आगे तुमको जैसे ही तुम्हारे गुरु की खोज में आगे बढ़ना है वैसे तुम आगे बढ़ो। तो ये पुलिस कर्मचारी उनको टिकट बनवा देता है, राजा राम ट्रेन में बैठ जाते हैं हरिद्वार के लिए। अब जैसे ही राजा राम पहुंचते हैं हरिद्वार, वैसे ही एक पुलिस वाला उनको फिर से देख लेता है और उनको पता लग गया कि ये तो यही लड़का है जो घर से भागा हुआ है। फिर से राजा राम उनको समझाते हैं, थोड़ा सा ज्ञान की चर्चा होती है, वो पुलिस कर्मचारी भी उनको जाने देता है। हरिद्वार से आगे बढ़ते हैं राजा राम, ऋषिकेश पहुंचते हैं। ऋषिकेश में फिर से एक पुलिस कर्मचारी उनको मिल जाता है। अब ये जो पुलिस कर्मचारी था, ये उनकी कोई ज्ञान की बातों में उनको रस नहीं था। कुछ भी बात किया, कितना भी राजा राम ने उनको समझाया, पर फिर भी वो कुछ समझने के लिए ही तैयार नहीं था। वो उनके परिवार को तुरंत ही इन्फॉर्म करके उनको परिवार को सौंप देता है वो पुलिस कर्मचारी। अब पुलिस कर्मचारी को तो अच्छा खासा इनाम मिल गया और राजा राम अपने घर पहुंच गए। अब परिवार थोड़ा सा दुखी भी था इनको देखकर, क्योंकि ऐसे भाग गए थे, पर फिर से राजा राम मिल गया, ये देखकर खुश भी थे। पर अब उनको बिल्कुल समय व्यतीत नहीं करना था, समय बिगाड़ना नहीं था राजा राम के पीछे, उनको बहुत ही जल्दी से राजा राम की शादी कर देनी थी। जल्दी से शादी करने का तय करते हैं और दूसरे ही दिन वो उनके जो गुरु थे, कुलगुरु जो पंडित रहते हैं हर एक फैमिली के, उनको बुलाते हैं इनको समझाने के लिए। क्योंकि राजा राम ने बहुत समझाने का कोशिश किया परिवार को भी कि उनको जाने दिया जाए, ये सब शादी में, ये सब संसारी बंधनों में उनको रस नहीं है, रुचि नहीं है, पर फिर भी परिवार समझता नहीं है और वो गुरु को बुलाते हैं, कुलगुरु को बुलाते हैं राजा राम को समझाने के लिए। बहुत सारा तर्क वितर्क वाद विवाद चलता है, वो गुरु उनको समझाते हैं, कुल गुरु आते हैं, पंडित जी आते हैं राजा राम के साथ, बहुत सारा तर्क चलता है। पर किसी भी तरीके से जो पंडित जी थे वो राजा राम को समझा नहीं पाए और समझा नहीं पा रहे थे। फिर लास्ट में जैसे हर एक जगह पर समझाते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल जिसको कहते हैं, तो पंडित जी कहते हैं कि देखो, ये परिवार का तुम अकेले एक पुत्र हो, अकेले लड़के हो, तो अभी तुम ये सब गुरु की खोज, संन्यास, ये सब करके तुम क्या करोगे? उससे पहले तुम जो तुम्हारी संसारिक जो भी जिम्मेदारियां हैं, जो भी परिवार के प्रति तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं, पहले तुम ये सब कंप्लीट करो, पहले ये सब तुम करो, उसके बाद पूरी जिंदगी पड़ी है तुम्हारे लिए, गुरु की खोज के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ब्रह्म की प्राप्ति के लिए, कौन सा देरी होता जा रहा है? पहले ये सब तुम कर लो, उसके बाद तुम करना, तुम्हें जो भी करना है आगे। ऐसे अगर तुम अभी से छोड़ दोगे, तुम्हारे माता पिता का कौन ध्यान रखेगा? माता पिता के प्रति भी तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं। उसके बाद एक, और ये तुम्हारी उम्र भी नहीं है ये सब करने की, एक उम्र हो जाए उसके बाद तुम करना, तुम्हें जो कुछ भी करना है। पंडित जी और समझाते हैं राजा राम को कि देखो, हर एक जो भी मनुष्य है उसको एक ऑर्डर में जाना चाहिए। पहले पढ़ाई करना है, अच्छे से वेदाभ्यास करना है, तुम अच्छे से अभ्यास कर लो, फिर तुम जीवन को चलाने के लिए जो भी धन अर्जन करना है उसके लिए तुम कामकाज करो, तुम्हारा संसार बनाओ,
संसार के में तुम्हारे माता पिता तुम्हारे परिवार के लिए जो भी जिम्मेदारियां है वो सब करो, उसके बाद जब ये सब खत्म हो जाए उसके बाद तुम करो ब्रह्म की खोज, करो ध्यान, करो तुमको जो करना है करो। तब राजा राम पंडित जी को कहता है कि पंडित जी आपकी उम्र अभी करीब करीब 80 साल की है, अभी तक तो आपने ब्रह्म की खोज के लिए कोई भी प्रयत्न नहीं किए हैं, आप यही जो दुनिया की सब माया जाल है आप उसी में अभी उलझे हुए हैं। अच्छा, अभी ये सब करने के बाद अगर आपको ब्रह्म की खोज के लिए इच्छा भी होती है तो आपका शरीर उतना सक्षम नहीं है कि आपको ये सब ब्रह्म की खोज के लिए साथ दे पाए, तो आप कब ब्रह्म की खोज में निकलेंगे? जब शरीर आपको साथ नहीं दे रहा हो उस समय पर आपको 80 साल तो हो चुके हैं, अब आपके पास ज्यादा समय भी नहीं बचा है कि आप ये ब्रह्म की खोज के लिए निकल सके। अच्छा, अपने शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति ब्रह्म की खोज में निकलता है और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करता है तो वो अपनी बहुत सारी पीढ़ी को भी तार देता है, तो ये भी आपने सुना हुआ है। तो मेरे ब्रह्म को पाने के रास्ते पर जाने से मेरा पूरा परिवार लिबरेट हो सकता है, मेरे पूरे परिवार को मोक्ष मिलेगा, थोड़ी सी सुख सुविधा अगर मैं परिवार को देता हूं उससे तो अगर मैं ब्रह्म की प्राप्ति कर लेता हूं तो मेरे परिवार को, मेरे परिवार की 7 पीढ़ी मोक्ष को प्राप्त होगी, इससे ज्यादा मैं परिवार के लिए क्या कर सकता हूं? तो ये तो रास्ता, ये सब जो शादी जिम्मेदारियां ये सब करने से तो वो रास्ता मोक्ष को दिलाने वाला है। अब ये सब सुनकर पंडित जी तो नतमस्तक होते हैं राजा राम के सामने कि ये बच्चा इतना ज्ञानी है और इसकी जो समझ है वो कुछ सामान्य समझ नहीं है। परिवार जनों को भी वो कहते हैं कि इनको रोकिए नहीं, क्योंकि ये कोई सामान्य साधारण बच्चा नहीं है, ये महात्मा है जो आपके परिवार में इसका जन्म हुआ है, तो इसको रोकिए नहीं, इसको जाने दीजिए। ऐसे करके वो प्रणाम करते हैं राजा राम को और जाते हैं। अब परिवार और परेशान हो जाता है क्योंकि उनको था कि ये पंडित जी उनको समझा पाएंगे, अब पंडित जी तो समझा नहीं पाए। अब परिवार में ऐसा कौन व्यक्ति है जो राजा राम को समझा पाएगा? तो एक ही व्यक्ति है, उनकी माता। माता उनको अच्छे से जानती है, सारे परिवार जन उनको बोलते हैं माता को कि तुम समझाओ, तुम्हारी बात राजा राम कभी टालेगा नहीं, क्योंकि कहते हैं ना कि माँ की बात बच्चे कभी नहीं टालते। तो माता बात करने जाती है राजा राम से। अब राजा राम की माता बात करती है, माता बहुत ही बुद्धिमान थी, तो राजा राम को वो कहती है कि मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, मैं तुम्हें शादी के लिए भी फोर्स नहीं करूंगी, तुम्हें जाना है तुम जाओ। पर एक बहुत सुंदर बात कहती है माता कि तुम जाओ, उसमें मैं कभी तुम्हें तुम्हारे बीच में नहीं आऊंगी, पर तुम जो भटकता जोगी है या घर दर दर जो मांगता हुआ साधु है वैसे तुम नहीं बनना, तुम्हें अगर ब्रह्म की खोज में निकलना है तुम जरूर जाओ, और जिस पल तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हें वापस आना है तो तुम्हें एक बात याद रखना कि ये घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं, हमेशा तुम्हारे लिए हम यहाँ पर प्रतीक्षा कर रहे हैं, तुम्हारा हमेशा जीवन के कोई भी पल तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम वापस आ जाना। देखो कितना सुंदर बात है, ये भी बात बहुत समझने जैसी है। व्यक्ति जीवन में तभी कुछ आगे कर पाता है कि जीवन में उनके प्रति किसी ने कहते हैं ना अनकंडीशनल भरोसा रखा हो। अनकंडीशनल भरोसा भी है ये माता का अपने पुत्र के लिए, और दूसरा एक कॉन्फिडेंस भी दिया
साथ साथ में कि अगर जीवन में कोई भी पॉइंट पर तुम्हें फेलियर लगता है, कि तुम्हें लगता है कि तुम जिस खोज में निकले थे उसमें तुम सफल नहीं हुए हो, तो उस पल कभी भी तुम वापस आ जाना। तो देखो कितनी सुंदर ये बात, मुझे बहुत ही बहुत टच कर गई ये जो पॉइंट पर राजा राम की माता जी उनके साथ जो बात किया, ये बात मुझे पर्सनली बहुत ही सुंदर लगी कि हमारे बच्चों को हम लिबर्टी दे, साथ साथ में एक कॉन्फिडेंस भी दे कि अगर कुछ वो करना चाहते हैं, अगर उसमें सक्सेसफुल नहीं रहे तो हम हमेशा उनके साथ है, उनके सक्सेस में भी उनके साथ है, पर उनके फेलियर में हम और ज्यादा उनके साथ है। आप सोचिए, ये उस जमाने की बात है। राजा राम का जन्म हमने देखा 1871 में हुआ था, तो आज से करीब इतने 100-150 साल पहले की ये बात है। और ये तो माता ने बोल दिया, अब परिवारजन पूछते हैं माता को कि भाई तुमने ऐसे परमिशन कैसे दे दिया इसको जाने के लिए, तुम कैसे इसकी बात के साथ सहमत हो गई। तब माता बताती है कि भाई मैं कौन हूं इसके रास्ते पे आने वाली, इसका लक्ष्य कुछ और है। जब ये हाथी पर बैठा हुआ है तो मैं उसको उतार कर गधे पर क्यों बिठाऊं। कितना सुंदर आंसर है। और ऐसे करके राजा राम निकलते हैं वहां से। तो ऐसे राजा राम निकलते हैं माँ का आशीर्वाद लेकर, परिवारजनों का आशीर्वाद लेकर, फिर से उनकी यात्रा हिमालय की ओर शुरू होती है। गंगा के किनारे किनारे ऋषिकेश पहुंचते हैं। ऋषिकेश से आगे एक बात बहुत क्लियर थी राजा राम को कि उनको एक गुरु की खोज करनी है, एक गुरु की खोज में वो निकले हैं। अच्छा, जैसे राजा राम को गुरु की खोज थी, अब उन्होंने अपने गुरु के लिए चार शर्तें भी रखी थी कि उनको कैसे गुरु चाहिए। देखिए, ये एक महान आत्मा ही सोच सकता है कि गुरु भी मुझे कैसे चाहिए। उनके भी चार क्राइटेरिया फिक्स थे। पहली शर्त थी कि उनके जो गुरु हो वो वेद के ज्ञाता हो, वेद के ज्ञानी हो, उनको संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए वेदों के बारे में। दूसरा, खुद आत्मज्ञानी होने चाहिए, खुद ब्रह्म को प्राप्त किए हुए होने चाहिए। तीसरा, उनमें गुस्सा नहीं होना चाहिए, एंगर, ही शुड फ्री फ्रॉम एंगर। और चौथा क्राइटेरिया था उनका, ब्रह्मचारी होने चाहिए। अब ऐसे गुरु की उनको खोज थी। ये चार क्राइटेरिया, पहला वेद के ज्ञाता होने चाहिए, दूसरा क्योंकि वेद इस सृष्टि का संपूर्ण ज्ञान है तो ऐसे गुरु चाहिए, दूसरे खुद ज्ञानी होने चाहिए, खुद आत्मज्ञानी होने चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा गुस्सा नहीं होना चाहिए। अब देखो, ये एक पॉइंट भी समझने जैसा है। कहते हैं ना कि अगर आप आध्यात्मिक मार्ग पर हैं, अगर आप आध्यात्मिक पथ पर चल रहे हैं, आप साधक हैं, तो आप में गुस्सा नहीं होना चाहिए। और दूसरा एक ये भी बात कहते हैं कि अगर आप साधना कर रहे हैं और आप में गुस्सा है तो वो साधना आपको कभी फलीभूत हो ही नहीं सकती है, क्योंकि ये जो आप साधना करते हैं वो आपकी साधना व्यय होती है आपके गुस्से को शांत करने के लिए। फिर आपको जो आध्यात्मिक पाथ पर, आध्यात्मिक पथ पर आपकी जो उन्नति होनी चाहिए वो कभी नहीं होती है। आपने देखा हुआ होगा, ये जनरलाइज वे में इसको कहते हैं कि अगर साधक बहुत गुस्से में है, साधना के बाद भी अगर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो वो साधना का पाथ कभी भी उनको, उनकी प्रगति आगे नहीं बढ़ाता है, क्योंकि उनकी साधना उनके गुस्से को ठंडा करने में ही हमेशा लगी रहती है। क्योंकि साधना का फल तो मिलता ही है, पर अगर साधक में गुस्सा है तो वो साधना का फल उसके गुस्से को शांत करने में ही चला जाता है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट रूल रहता है
कि अगर आप इस पाथ पर है, अगर आध्यात्मिक पाथ पर है, तो सबसे पहले गुस्से को तो आपको छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो आपका जो समय है, जैसे हमारे गुरुदेव तो हमेशा बोलते हैं कि इस पाथ पर कभी भी जल्दी नहीं है, आपको ये लाइफ टाइम पर भी ज्ञान प्राप्त हो सकता है, 100 लाइफ टाइम भी लग सकते हैं और 1000 लाइफ टाइम भी लग सकते हैं। इसीलिए ब्रह्म ज्ञानी गुरु को कभी जल्दी नहीं रहती है, पर हाँ अगर हम साधक हैं, हम अगर इस पाथ पर हैं, तो सबसे पहला गुस्से को शांत करना बहुत जरूरी है, नहीं तो बहुत सारा लाइफ टाइम फिर वो गुस्से को शांत करने में ही लग जाता है। तो ये जो राजा राम का तीसरा क्राइटेरिया था अपने गुरु के लिए, वो जो गुरु होने चाहिए वो गुस्से से फ्री होने चाहिए, यानी गुस्सा उनमें नहीं होना चाहिए, और चौथा ब्रह्मचारी होने चाहिए। अब ऐसे गुरु की खोज में निकलते हैं राजा राम। तब राजा राम को कोई बताते हैं कि यहां पर एक दंडी स्वामी है, बहुत ज्ञानी है, ब्रह्मचारी है, तो उनको मिलना चाहिए। जाते हैं राजा राम दंडी स्वामी से मिलने के लिए। दंडी स्वामी पता होगा वो हाथ में हमेशा दंडा कैरी करते हैं, तो राजा राम जाते हैं उनको मिलने के लिए। दंडी स्वामी साधना में होते हैं, जब उनकी साधना खत्म होती है तब राजा राम ने उनको प्रणाम किया, ओम नमो नारायणा कहा, और राजा राम ने पूछा दंडी स्वामी से कि आपके पास आप मुझे थोड़ा सा अग्नि दे सकते हैं क्या, मुझे खाना बनाना है तो मुझे अग्नि की आवश्यकता है, मुझे थोड़ा सा अग्नि चाहिए। तो ये जो दंडी स्वामी थे ये तो तुरंत चिल्लाने लगे उसके ऊपर कि तुमको पता नहीं है मैं ब्रह्मचारी हूं, और ब्रह्मचारी जो होते हैं दंडी स्वामी रहते हैं वो कभी अग्नि नहीं रखते, क्योंकि वो कहते हैं अग्नि संसारी लोग ही रखते हैं, कभी सन्यासी के पास अग्नि नहीं होता है। तो वो चिल्लाने लगे राजा राम के ऊपर कि तुमको समझ में नहीं आता है मैं सन्यासी हूं, मैं कितना विद्वान हूं, मैं बहुत ज्ञानी हूं, और मेरे पास कहां से अग्नि हो सकता है, और ये ऐसा पूछकर तुम मेरा अपमान करना चाहते हो, तुम ये दर्शाना चाहते हो, यानी बहुत सारा बहुत कुछ बोलते हैं। तो तब राजा राम बहुत आराम से उनको जवाब देते हैं कि अगर अग्नि आप कहते हैं आपके पास अग्नि नहीं है तो ये सब कहां से आ रहा है, यानी वो कहना चाहते थे कि अगर आपके पास अग्नि नहीं है तो ये सब आपका गुस्सा है, गुस्से को भी अग्नि कहते हैं, तो ये सब इतनी सारी ज्वालाएं आप में से कहां से आती है। इतना सिर्फ हिंट देते हैं राजा राम ये दंडी स्वामी को। तब अचानक ये दंडी स्वामी को रियलाइज होता है और कहते हैं राजा राम को कि तुम्हारा धन्यवाद, तुमने ये ज्ञान की ज्योति मेरे में प्रज्वलित की, तुम्हारी बात सही है, अगर मेरे पास अग्नि नहीं है तो यही एक अग्नि का स्वरूप ही है, जैसे मैंने आगे ही बताया। इसीलिए साधक को जो भी इस पाथ पर है उनको गुस्से से कोसों दूर रहना चाहिए, ऐसा हमेशा ब्रह्मज्ञानी कहते हैं। और वो कहते हैं राजा राम को कि तुम यहाँ रुको, यहाँ पर मेरे साथ थोड़े दिन तक रहो। राजा राम रहते हैं उनके साथ, योगा अभ्यास करते हैं, उनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं। पर ये जो स्वामी थे, ये जो गुरु थे, ये वो गुरु नहीं थे जिनकी खोज में राजा राम निकले थे। थोड़े दिन तक वहां पर रहकर वो आगे निकल जाते हैं फिर से गुरु की खोज में। कहते हैं 5 साल उन्होंने गुरु की खोज की, बहुत सारी अलग अलग जगह पर वो भटके गुरु की खोज में, फिर फाइनली उत्तरकाशी में, ऋषिकेश से भी बहुत आगे,
उत्तर काशी में उनको उनके गुरु मिलते हैं, गुरु कृष्णानंद सरस्वती जी। और गुरु कृष्णानंद सरस्वती जी जो भी उनके चार क्राइटेरिया थे उनके गुरु के लिए, क्योंकि वो कृष्णानंद सरस्वती जी वेद में पारंगत थे, वेद के निपुण थे, ब्रह्मज्ञानी थे, गुस्से की तो बात ही नहीं है, और ब्रह्मचारी थे। और फाइनली राजा राम को मिलते हैं स्वामी कृष्णानंद सरस्वती जी, और वो उनको प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं, और स्वामी कृष्णानंद सरस्वती जी भी उनको शिष्य के रूप में स्वीकार करते हैं। गुरु की प्राप्ति के बाद राजा राम को नया नाम मिला, ब्रह्म चैतन्य ब्रह्मचारी। बाकी के सारे जो शिष्य थे उनसे तो इनकी उम्र बहुत कम थी, बहुत छोटे थे राजा राम। थोड़े ही समय में वो बहुत क्लोज हो जाते हैं अपने गुरु के साथ। तो अब इतने तक हम कहानी सुनते हैं स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी के बारे में। बाकी की और भी रोचक कहानियां उनके बारे में आगे सुनेंगे। और साथ साथ में एक मैंने क्लिप रखा है जो चार मठ है शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित, उसमें पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी जो गोवर्धन मठ के शंकराचार्य जी है, उन्होंने बहुत सुंदर बात स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी के बारे में बताई है। उनकी क्लिप मैंने साथ में रखी है, जरूर सुनिए। बहुत सुंदर बताया है गुरुदेव के बारे में, स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी के बारे में। ये भी बहुत भाग्यशाली है हम कि स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी के मुखारविंद से अपने गुरुदेव के बारे में ये बात हम सुन रहे हैं। बाकी बहुत सारे शिष्य ब्रह्मानंद सरस्वती जी के, जैसे महर्षि महेश योगी जी उनके शिष्य हैं, बाकी बहुत सारे शिष्यों के बारे में हमें निश्चलानंद सरस्वती जी बता रहे हैं। 165 वर्षों तक यहाँ की गद्दी खाली थी, भूकंप के चपेट में आकर यह स्थान भी क्या हो गया था, अदृश्य हो गया था, दृष्टिगोचर नहीं रह गया था। फिर भारत धर्म महामंडल ने पुराने व्यक्तियों से और मानचित्र से संपर्क स्थापित किया, मानचित्र के आधार पर ज्योतिर्मठ की पुनः प्रतिष्ठा और स्थापना हुई। पूज्य स्वामी कर्पात्री जी महाराज हमारे गुरुदेव, उन्हीं को उस समय के संतों ने, आचार्यों ने निवेदन किया कि आप सब तरह से योग्य हैं, तपस्वी हैं और धर्म ब्रह्म के मर्मज्ञ हैं, आप इस मठ के शंकराचार्य के रूप में ख्यापित हों, यह हमारी भावना है। पूज्य गुरुदेव ने कहा कि हमने रामराज परिषद आदि का क्रम चला रखा है, शंकराचार्य पद लेने पर जिस उन्मुक्तता के साथ हम सनातन धर्म की प्रतिष्ठा करना चाहते हैं उसमें अवरोध हो सकता है, अतः मुझे नहीं मेरे पूज्य गुरुदेव स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाभाग को ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य के रूप में अभिषिक्त किया जाए। 1941 में 165 वर्षों के बाद श्री ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाभाग यहाँ के श्रीमद् जगद्गुरु शंकराचार्य पद पर प्रतिष्ठित किए गए वाराणसी में। और हम एक संकेत करना चाहते हैं, उन्हीं की परंपरा में, श्री ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाभाग की परंपरा में ही मैं भी हूँ, क्योंकि श्री ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाभाग के शिष्य स्वामी कर्पात्री जी महाभाग का मैं शिष्य हूँ। उन्हीं की परंपरा में शांतानंद जी महाभाग भी, विष्णुदेवानंद जी महाभाग भी, वासुदेवानंद जी महाभाग भी, और पूज्यपाद स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाभाग भी एक ही महापुरुष। आज शंकराचार्य तो सबके मूल में है, लेकिन विचार करके देखा जाए तो श्री ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाभाग की परंपरा में ही, कोई शिष्य के रूप में, कोई प्रशिष्य के रूप में हम लोग ख्यापित हैं।
तो ऐसी है महान बातें स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी की और बहुत सारे अनुभव उनके बारे में जो जो जानते हैं वो बताते हैं कि स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी बहुत, जैसे निश्चलानंद सरस्वती जी ने बताया कि बहुत सालों तक वो हिमालय में घूमे और बहुत बाद में, इतने सालों के बाद, जैसे 163 साल के बाद वो शंकराचार्य बने ज्योतिर्मठ के, पर उसके बीच में वो करीब 40 साल कहते हैं स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी हिमालय में ही थे, हिमालय में ही वो घूमे और देवी देवताओं के उनको दर्शन होते थे, वो देवी देवताओं के साथ ऐसे ही बातें करते थे। ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी के बारे में, तो आगे और भी सुनेंगे ब्रह्मानंद सरस्वती जी के बारे में। अब तो उनको उनके गुरु मिले और गुरु के मिलने के बाद क्या होता है वो सारी बातें बहुत सुनने जैसी है और बहुत सारी रोचक बातें हैं, वो नेक्स्ट एपिसोड में सुनेंगे। तो हमारी गुरु परंपरा को प्रणाम करके समाप्त करते हैं। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविंद योगींद्रमतास्य शिष्यं श्री शंकराचार्य मतास्य पद्मपादं च हस्ता मलकं च शिष्यं तं त्रोटकं वार्त्रिककार रमण्यान् अस्मत् गुरुं संततमानतोष्मि। श्रुति स्मृति पुराणानां आलयं करुणालयं नमामि भगवत पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। यद्वारे निखिलानिलिम्प परिषद सिद्धिं विदत्ते निशम् श्रीमत् श्रीलसितं जगद्गुरुपदं नत्वात्मतृप्तिं गता। लोकाज्ञानपयोदपाटनदुरं श्रीशंकरं शर्मदं ब्रह्मानंद सरस्वतीं गुरुवरं ध्यायामि ज्योतिर्मयम्। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी बातों के साथ, ब्रह्मानंद सरस्वती जी के बारे में, हमारे गुरुदेव के बारे में। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक और शेयर करिए सबके साथ।